लॉकडाउन के बीच एक ओर पूरा देश कोरोना जैसी बीमारी से लड़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा हाईवे पर गंगरार के पास मौजूद टोल नाका चला रही कंपनी आईआरपी अपनी ही दुनिया में गुम है और लगातार एक बड़े गड़बड़ झाले को अंजाम दे रही है। क्या है पूरा मामला, आप भी देखिए और जानिए आईआरपी प्रबंधन कैसे लोगों को चूना लगा रहा है। ना किसी को खबर हो, ना कोई आवाज हो और पूरा का पूरा शहर भी लुट जाए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कारनामा करने वालों को ही नटवर लाल कहते हैं और चित्तौड़गढ़ में ये नटवर लाल कोई और नहीं बल्कि आईआरबी प्रबंधन है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा नेशनल हाईवे 79 पर आईआरबी प्रबंधन की कार्यशैली सवालों के घेरे में है और आईआरबी प्रबंधन लगातार अपनी जेब भरने में लगा हुआ है। दरअसल देश में जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सभी टोल नाकों से टोल संग्रह करने पर रोक लगा दी थी, मगर गंगरार के जोजरों का खेड़ा पर लगे हुए टोल नाके पर इन आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं। साथ ही साथ टोल संचालक आईआरबी कंपनी ने टोल संग्रहण करने के लिए नया तरीका निकाल लिया है। दरअसल कंपनी प्रबंधन ने टोल पर लगे फास्टैग रिकॉर्डर को बंद नहीं किया है, जिसके चलते टोल से गुजरने वाले वाहनों का टोल ऑटोमेटिक कट रहा है। इस बाबत जब हमने टोल इंचार्ज से उनका पक्ष जाना तो वो गोलमोल जवाब देते हुए दिखाई दिए, आरोपों को निराधार बता दिया। पैसा कट हो रहा ही नहीं ना सर, जीरो का मैसेज आ रहा है ना। जीरो का मैसेज आ रहा है, फास्टैग तो चालू है ना, स्कैनर जो है हाँ वो तो चालू है ना सर, तो बंद क्यों नहीं हो पा रहा। तो साहब जी ये एनएचआई का है साहब जी, एक आधी गाड़ी अगर यहाँ से गुम होती है हाँ तो ये फास्टैग की वजह से मालूम पड़ गया ना यहाँ से पास हुई कि नहीं हुई सर जी। हाँ तो कैमरा भी है तो गाड़ी नंबर डालिए तुरंत मालूम पड़ेगा ना सर जी, इधर ये हो जाएगा सर जी, गाड़ी नंबर आता है ना उसके ऊपर फास्टैग के ऊपर। सबसे आप आई नहीं चाहिए पूछ लो सर, इन जाए परमिशन से हम लोग नहीं कर सकते ना सर जी। हाँ ना सर, लेकिन फास्टैग कट रहा है इस प्रकार की कंप्लेंट है। हाँ इसका क्या कहेंगे सर जी, फिर तो हम लोग के एन एच आई से आप बात करना पड़ेगा सर जी आपको। हाँ सर, नहीं नहीं सर, सब जी सब अभी स्टाफ कम कर दिया ना सर जी, उसकी वजह से इंचार्ज पोस्ट के। वहीं जब हमने इस मामले की तह तक जाने के लिए एनएच के परियोजना निदेशक सतेंद्र कुमार से संपर्क साधने की कोशिश की तो उनकी ओर से भी कोई जवाब नहीं मिला, जो बताता है कि हालात आखिर क्या हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भले ही ये घोषणा कर दी हो कि सारे टोल नाके फ्री कर दिए गए हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान भले ही टोल नाके फ्री कर दिए गए, ये है चित्तौड़गढ़ के गंगरार का वो टोल नाका जिसके फास्टैग अभी भी चालू हैं। हालांकि हमने जब इंचार्ज से बात की है तो उनका कहना है कि जीरो जीरो का बैलेंस आ रहा है, पैसे नहीं कट रहे हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आखिर फास्टैग बंद क्यों नहीं किया गया है तो उनका कहना यह भी है कि फास्टैग इसीलिए बंद नहीं है कि कोई गाड़ी अगर यहाँ से निकली तो उसको ट्रैक कर लिया जाएगा। ये बात कहाँ तक सच है ये तो पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ फास्टैग काटने वाले जो रिकॉर्डर हैं वो अभी तक चालू हैं। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पी के अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, चित्तौड़गढ़।